साथियों साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की लोक सदन अर्थात ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ में ब्रिटिश राज व्यवस्था को समझना हो तो वहां की संसद को समझना भी अति आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको पहले बतला भी चुका हूं कि जब हम किसी भी देश की राजव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में वहां उस राजव्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था किस रूप में की गई है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रिटेन का लोक सदन। क्या? ब्रिटेन का लोक सदन। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ब्रिटेन की जो संसद है, मतलब ब्रिटेन की जो विधि निर्माण करने वाली संस्था है उसे संसद कहा गया है, ठीक है। अर्थात वहां की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद है। और संसद के संगठन के संदर्भ में ब्रिटेन में दो सदनीय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत दो सदन है भाई, ये ध्यान रखें। कितने सदन है? दो सदन है, जिसमें जो लोक सदन है जिसे कि कॉमन सभा कहा जाता है, लोक सदन है वो कौन सा सदन है? प्रथम सदन है, निम्न सदन है, और उच्च सदन या द्वितीय सदन का नाम क्या है? लॉर्ड सभा है। तो कितने सदन हो गए? दो सदन हो गए। क्या क्या नाम है? लोक सदन और लॉर्ड सभा। क्या? लोक सदन और लॉर्ड सभा। इनके नाम आप पूर्ण रूप में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये, जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है कि वास्तविक रूप में जो ब्रिटेन का लोक सदन है वह पूरे संसार में, क्या कह रहा हूं मैं, पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है, सबसे शक्तिशाली निम्न सदन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि ब्रिटेन का जो लोक सदन है, ठीक है, ब्रिटेन का जो लोक सदन है वह संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। नोट करें क्या कि ब्रिटेन का जो लोक सदन है या जो ब्रिटेन की कॉमन सभा है वह संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात जब हम जनता के द्वारा निर्वाचित सदन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन कौन है? ब्रिटेन का लोक सदन है, जिसे कि प्रथम सदन या फिर निम्न सदन कहा जाता है। क्लियर? अब देखिएगा, ब्रिटेन के लोक सदन के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने व्याख्यांश दिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसने किस रूप में परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नोट करें। क्या? एक विद्वान है न्यूमैन। क्या नाम है? न्यूमैन। न्यूमैन क्या कह रहे हैं कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जब ये कहा जाता है कि संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये होगा कि ब्रिटेन में संसद के द्वारा, क्या, ब्रिटेन में संसद के द्वारा मतलब वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। तो वास्तव में संसद के द्वारा किसी विषय पर किसी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। तो वास्तविक रूप में यहां कर्ता धर्ता कौन है, मुख्य कौन है? केवल लोक सदन है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा वास्तव में एक गौण सदन है, एक शक्तिहीन सदन है। क्यों है शक्तिहीन? क्योंकि लॉर्ड सभा को केवल विलंब का अधिकार है, अर्थात वह वित्त विधेयक को केवल एक माह के लिए रोक सकती है
और साधारण विधेयक को एक वर्ष के लिए रोक सकती है, मतलब केवल विलंब कर सकती है। यदि एक माह वित्त विधेयक एक वर्ष साधारण विधेयक को लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो भी उसे पारित समझा जाता है। तो इसका भावार्थ ये है, क्या करेंगे मैं, कि संसद की संप्रभुता लोकसभा में निवास करती है, मतलब देखो फिर मैं कह रहा हूं कि संसद की संप्रभुता को अपनाया गया है ब्रिटेन में। तो संसद की संप्रभुता का मतलब क्या होगा कि लोकसभा ही संप्रभु है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो न्यूमैन की बात होगी। अगली बात क्या है, एक विद्वान है सिडनी लो, वो क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो ये ब्रिटेन का लोक सदन है, मतलब है जो ब्रिटेन का प्रतिनिधि सदन है या प्रथम सदन है या निम्न सदन है, वह संसार का सबसे प्राचीन, जैसा ये बात यहां ने बताइए, सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सबसे गौरवमयी सदन है। कौन कह रहे हैं बात, सिडनी लो। तो भाई मुख्य बात एक ही आपको ध्यान में रखनी है, क्या देखो ब्रिटेन में, फिर कह रहा हूं मैं, हमने पिछली वीडियो में समझाया था कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता की, प्रभु सत्ता की, संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। अब चूंकि संसद के दो सदन है, कौन कौन, लोक सदन और लोकसभा, तो लोकसभा एक शक्तिहीन सदन है, उसी के विलंब का अधिकार है, तो बच गया कौन, लोक सदन। तो वास्तविक रूप में शक्तिशाली कौन होगा, लोक सदन होगा। तो लोक सदन ही वास्तविक रूप में क्या है, ये कह रहे हैं जैसे न्यूमैन कि संसद की संप्रभुता लोक सदन निवास करती है, अर्थात वास्तविक रूप में संसद की संप्रभुता का मतलब है लोक सदन की संप्रभुता, कि वास्तविक रूप में जो ये लोक सदन है वो ही शक्तियों का पूर्ण रूप में प्रयोग करती है, यही संप्रभु है। क्यों बार बार कह रहा हूं कि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है। क्लियर हो गई ये बात, चलिए इसके बाद में लोक सदन के बारे में हम कुछ सामान्य बातें दे रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, लोक सदन की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में, 650। देखो एक बात ध्यान रखेंगे, वास्तविक रूप में 2010 से पहले इसकी सदस्य संख्या 659 थी, लेकिन 2010 में जब चुनाव हुए तो उस समय वास्तविक रूप में 650 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 650 है, 659 नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ किताबों में ये उल्लेख किया गया है कि 659 नहीं 650 सदस्य संख्या है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इसका कार्यकाल कितना है लोक सदन का, 5 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, इसके बाद में अगली जो बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण कि लोक सदन में कोई भी कार्यवाही करनी है, मतलब उसकी कोई बैठक होती है, ऐसी स्थिति में उसका जो कोरम होता है, कोरम मतलब गणपूर्ति कि भी कितने सदस्य की उपस्थिति अति आवश्यक है, तो यहाँ गणपूर्ति कितनी होगी, 40 सदस्य, मतलब 650 सदस्यों में से केवल 40 सदस्य उपस्थित है तो कार्य प्रारंभ किया जाएगा, कार्य किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो बात आती है कि जो ये लोक सदन है इसके सदस्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ध्यान दें। नंबर एक, ब्रिटेन का नागरिक हो। नंबर दो, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। इसके बाद में वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, इसी के साथ में किसी प्रशासनिक पद पर ना हो, इसी के साथ में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में इसमें कुछ योग्यताएं होना चाहिए। अब ये जो योग्यताएं की बात आती है तो ये तो सभी देशों में किसी न किसी रूप में व्यवस्था की जाती है कि भी जो संसद के सदस्य होते हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देश विशेष के ऊपर निर्भर करता है, इसे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो अगली बात आती है वो क्या, देखो चाहे हम भारत की संसद की बात करें या अमेरिका की कांग्रेस की बात करें, मतलब व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, चाहे जापान की डायट की बात करें, जापान की डायट मतलब वहां की व्यवस्थापिका का नाम है,
या फिर चाहे हम ब्रिटेन की संसद मतलब लोक सदन की बात करें तो देखो संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत भी जो लोक सदन है, इस लोक सदन के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या प्राप्त है इसे, कि वास्तविक रूप में लोक सदन के सदस्यों को किसी भी दीवानी मामले में, क्या कह रहा हूं, दीवानी मामले में अधिवेशन के प्रारंभ होने से पहले 40 दिन और बाद में 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसी के साथ में लोक सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप में राजा या रानी के पास जाने का अधिकार है। इसी के साथ में संसद में लोक सदन के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। ये कुछ विशेष अधिकार हो गए। वैसे और भी बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो के हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से यही बातें महत्वपूर्ण है, इससे अलग कोई प्रश्न बनता नहीं है। ये बात होगी। इसके बाद में जो अगली बात आती है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये लोक सदन होता है, क्या संसद का जो प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इस लोक सदन का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है उसका अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी होगी। देखो प्राचीन समय में वास्तविक रूप में जो अध्यक्ष होता था, मतलब जिसे स्पीकर कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में स्वयं लोक सदन ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। अर्थात वास्तविक रूप में कोशिश यही होती है कि लोक सदन के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखो ब्रिटेन में क्या है कि जो ये लोक सदन का अध्यक्ष होता है वो एक बार निर्वाचित होने के बाद में जब तक चाहे तब तक अपने पद पर बना रहता है। जैसा कि वहां एक परंपरा बन गई है कि एक बार स्पीकर अध्यक्ष, एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, मतलब वहां सरकारें बदलती रहती हैं परंतु अध्यक्ष वो ही बना रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए यहां एग्जाम पूछ लिया जाता है कि एक बार स्पीकर सदा के स्पीकर निम्न में से किस देश के अंतर्गत ये व्यवस्था है, ये परंपरा है, तो कहां पर, ये ब्रिटेन में। अर्थात ये परंपरा बन गई है कि एक बार अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद में वास्तविक रूप में वह जीवन पर्यंत उस पद पर बना रहता है। ठीक है, वह स्वयं स्वेच्छा से पद त्यागता है तो बात अलग है, बाकी सच्चाई ये है कि एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, ये परंपरा वहां पर बन गई है। तो यहां पर मेरे विद्यार्थियों प्यारे इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या अध्यक्ष लोक सदन का अध्यक्ष, इसे स्पीकर कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो इसकी अगली बात आती है वो ये, चूंकि न्यूमैन कह रहे हैं कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है, तो इसका मतलब भाई ब्रिटेन में कोई भी कानून बनाया जाए, कैसा भी कानून बनाया जाए, तो सर्वेसर्वा कौन है, लोक सदन ही है। बार बार कह रहा हूं लॉर्ड सभा तो एक शक्तिहीन सदन है, यह विलंब का अधिकार है, बस इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, वैसे हम अलग से लॉर्ड सभा के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ध्यान दें। अब हम इसका दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहला होगा लोक सदन की शक्तियां और कार्य। अब लोक सदन क्या शक्तियां क्या कार्य है, इन बातों से स्वतः स्पष्ट हो रहा है तो कि वास्तविक रूप में वहां संसद की संप्रभुता का मतलब ही यह है कि लोक सदन ही संप्रभु है। और इसका मतलब क्या है कि लोक सदन जैसा चाहे जिस भी विषय पर कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वहां की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसकी जो शक्तियां हैं वो क्या है, देखो अब शक्ति की बात आती है तो विशेषकर ध्यान दें, चाहे हम किसी भी संरचना का अध्ययन कर रहे हों, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, तो यहां अध्ययन किसका कर रहे हैं, लोक सदन का। तो ये क्या है,
व्यवस्थापिका का साधन है, संसद का साधन है। इसका मतलब हम व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो भी व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कानून बनाना, विधियों का निर्माण करना, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या बनेगा, यही बनेगा इसका बिंदु, क्लियर भाई। फिर कह रहा हूं अध्ययन किसका कर रहे हैं हम, लोक सदन का कर रहे हैं ना, और लोक सदन क्या है, संसद का प्रथम सदन है। तो इसका मतलब संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून बनाना। तो फिर लोक सदन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, कानून बनाना। इसलिए पहला बिंदु क्या बनेगा, विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत लोक सदन के द्वारा जैसा चाहे जिस विषय पर चाहे कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। हाँ, ये बात सत्य है कि वहां एक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना अति आवश्यक है और सम्राट के हस्ताक्षर कराना भी अति आवश्यक है। परंतु सम्राट के हस्ताक्षर कराना एक औपचारिकता है, वह चाहे कोई भी विधेयक क्यों ना हो उनके ऊपर सामान्यतः अपने हस्ताक्षर कर देता है, किसी के ऊपर भी वीटो का प्रयोग नहीं करता है। आज लगभग 320 वर्ष हो गए वहां के सम्राट ने किसी भी विधेयक के ऊपर वीटो का प्रयोग नहीं किया है। तो सम्राट तो एक औपचारिकता होगी। अब बच गया कौन, लॉर्ड सभा। अब लॉर्ड सभा क्या करेगी, लॉर्ड सभा यही कर सकती है कि साधारण विधेयक को यदि चाहे तो एक वर्ष तक अपने पास रोक सकती है, एक वर्ष तक का विलंब किया जा सकता है। इसके बाद में यदि वह उसे स्वीकार ना भी करे तो स्वतः मान लिया जाएगा कि लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि सर्वे सर्वा कौन हो गया, लोक सदन ही होगा। इसका मतलब विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वे सर्वा कौन हो गया, लोक सदन ही होगा। इसलिए आप कहेंगे कि लोक सदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना, विधियों का निर्माण करना या कानून बनाने से संबंधित कार्य करना। तीन बातें होगी इसमें, लोक सदन, लॉर्ड सभा और राजा, तीनों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन भी लॉर्ड सभा विलंब कर सकती है और राजा एक औपचारिकता है, शेष रहेगा लोक सदन। तो सर्वे सर्वा कौन होगा, लोक सदन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्या, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण लोक सदन कैसे रखेगा, ध्यान दें। देखो ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका किसकी प्रति उत्तरदायी होती है, संसद की प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद की प्रति उत्तरदायी का मतलब किसकी प्रति है, लोकसभा की प्रति नहीं है, केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। अब ऐसी स्थिति में जो लोक सदन है, लोक सदन के द्वारा वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो इसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसी के साथ में काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल के ऊपर लोक सदन के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब दूसरा इसका कार्य क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण, अर्थात स्वयं जो लोक सदन है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ये तो देखो क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां, तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है भाई, फिर कह रहा हूं देखो कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी है तो चूंकि ब्रिटेन में महत्वपूर्ण कौन है, लोक सदन ही, लॉर्ड सभा तो एक गौण सदन है, वही सुप्रीम सदन है। तो वास्तविक रूप में वहां जो कार्यपालिका है किसकी प्रति उत्तरदायी होगी, केवल लोक सदन की प्रति उत्तरदायी होगी। तो वास्तविक रूप में लोक सदन मंत्रिमंडल के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में तीसरा जो इसका कार्य है, शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, वित्तीय शक्तियां। नोट कीजिएगा, क्या है, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों का मतलब क्या है, यहां ध्यान दें, वास्तविक रूप में ब्रिटेन में एक कहावत है कि धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर जनता का पूर्ण नियंत्रण है, जनता का पूर्ण नियंत्रण है। अब जनता का पूर्ण नियंत्रण कैसे, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और प्रतिनिधि को कहां चुनकर भेजती है, किसका निर्माण होता है, उसे लोक सदन का निर्माण होता है। तो वास्तविक रूप में वहां बिना लोक सदन की अनुमति के एक पैसा भी, एक रुपया भी, एक डॉलर भी खर्च नहीं किया जा सकता, ध्यान देंगे। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में
बजट को पारित करने की बात आती है, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहा जाता है, और बजट को वास्तविक रूप में हम देखें तो वित्त मंत्री के द्वारा आय व्यय का जो ब्यौरा होता है लोक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, पहले लोक सदन में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जितने भी वित्त विधेयक होते हैं सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में भेजे जाते हैं दुनिया में, तो ब्रिटेन में प्रतिनिधि सदन कौन सा है भाई, लोक सदन है। तो वित्त विधेयक सबसे पहले कहां भेजा जाएगा, लोक सदन में भेजा जाएगा। इसका मतलब यहां लोक सदन सर्वे सर्वा ही है। क्यों है सर्वे सर्वा, क्योंकि लोक सदन के द्वारा उसे पारित करने के बाद में, मतलब वित्त विधेयक को यदि लोक सदन पारित कर देती है पहले इसी के पास भेजा जाएगा। अब इसने पारित कर दिया, अब पारित करने के बाद में फिर क्या होगा, प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, फिर लॉर्ड सभा के पास भेजा जाएगा। अब चूंकि लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में एक तीन सदन है, गौण सदन है, तो लॉर्ड सभा की विलंब कर सकती है, और विलंब क्या करेगी कि एक माह तक का विलंब कर सकती है, और एक माह तक यदि वह अपने पास रख ली तो उसके बाद वापस नहीं भेजती है और अस्वीकार भी कर देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने स्वीकार कर लिया, मतलब लॉर्ड सभा अस्वीकृत कर दे तो भी वह पारित माना जाएगा, केवल विलंब किया जा सकता है। तो यहां भी वित्तीय शक्तियों में भी सर्वे सर्वा कौन हो गया, लोक सदन ही हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि वास्तविक रूप में वहां संसद की संप्रभुता का मतलब ही लोक सदन की संप्रभुता है। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, ठीक है। चलिए अब ये इसके तीन कार्य सबसे महत्वपूर्ण हो गए, नोट करेंगे, विधि निर्माण, भाई ये काम किसका है, करना ही है, विधि निर्माण। दूसरा कार्य पालिका पर नियंत्रण, तीसरा वित्तीय शक्तियां, इसके बाद में कुछ सामान्य कार्य या शक्तियां भी इसकी, जिन्हें भी आप नोट कीजिएगा। चौथा बिंदु बनाएंगे जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, क्या जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, इसका मतलब ये है, देखो सामान्य सी बात है कि संसद वास्तविक रूप में जनता का दर्पण होता है, आईना होता है, तो जनता की क्या इच्छा है, जनता की क्या मांग है, वही इसकी अभिव्यक्ति वास्तविक रूप में इसमें होती है, लोक सदन में होती है, और वास्तविक रूप में जनता क्या चाहती है इसके आधार पर ही कानून का निर्माण किया जाता था। कहने का मेरा भावार्थ है कि जनता की जो इच्छा है, जनता की जो राय है, जनता की जो मांगे हैं, उसकी अभिव्यक्ति कहां होती है, लोक सदन में ही होती है, क्योंकि यही तो जनता का प्रतिनिधि सदन है भाई, ठीक है। अगला क्या है, पांचवा, लोगों को शिक्षा देना। देखो क्योंकि लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में चुनाव में क्या सामान्य जनता को राजनीति के बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, यस राजनीति प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यह भी लोक सदन का महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्या कि लोगों को, देखो यहां मैं लिख रहा हूं लोगों को शिक्षण देना, इसका मतलब क्या होगा, लोगों को राजनीतिक शिक्षण देना, नोट करेंगे यहां, क्या लोगों को राजनीतिक शिक्षण देना, मतलब राजनीति के बारे में वास्तविक रूप में जनता को किसी किस रूप में ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। जैसा कि आप हमारे भारत के अंतर्गत देख सकते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमें किसी न किसी रूप राजनीति के बारे में कोई ना कोई जानकारी तो अवश्य प्राप्त होती है, ठीक है। अगला बिंदु बनाएंगे लोकसभा की शक्ति का, क्या जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनना। देखो वास्तविक रूप में लोक सदन के सदस्यों के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें कि जनसाधारण की, जनता की जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनके जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, इन सभी की सुनवाई की जाती है। हमारे भारत में भी वास्तविक रूप में जनता दरबार लगाया जाता है, तो यह भी लोक सदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और वास्तविक रूप में चूंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो जनता की क्या समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से वास्तविक रूप में इन्हें अवगत कराया ही जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें के आधार पर वास्तविक रूप में लोक सदन में, मतलब संसद में, फिर विधियों का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गई लोक सदन की शक्तियां या कार्य, आप इन्हें नोट कीजिएगा। अब हमने इनको बहुत बढ़िया तरीके समझाने का प्रयास किया, आप किसी भी रूप में इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहां
इन शक्तियों के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करेंगे आप लास्ट में, क्या कि लोक सदन ही ब्रिटिश संसद है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, क्या लोक सदन ही ब्रिटिश संसद है, मतलब ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद, तो वास्तविक रूप में देखो वैसे तो संसद के दो सदन है, लोक सदन लॉर्ड सभा, लेकिन भाई लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है, गौण सदन है, उसको केवल विनम्र का अधिकार है, इसलिए वहां वास्तविक रूप में संसद का मतलब यही माना जाता है कि लोक सदन। देखो जब वास्तव में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, इसका मतलब यही माना जाता है कि लोक सदन के प्रति उत्तरदायी, इसलिए लोक सदन ही ब्रिटिश संसद है। अब इस संदर्भ में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट वॉलपोल, सर रॉबर्ट वॉलपोल, नोट कीजिएगा क्या है, सर रॉबर्ट वॉलपोल। देखो रॉबर्ट वॉलपोल ने क्या कहा था इसके बारे में, ध्यान देंगे लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है, ध्यान देंगे, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है, मतलब वास्तविक रूप में कोई मंत्री यदि संसद से परामर्श लेता है, इसका मतलब यह है कि लॉर्ड सभा से नहीं ले रहा हूं, किससे ले रहा है, लोक सदन से परामर्श लेता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट, राजा, जब सम्राट संसद को विघटित करता है, भाई वास्तविक रूप में संसद का विघटन कराया जा सकता है, वास्तविक रूप में सम्राट कोई अधिकार है, परंतु है क्या, जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां मूल बात यही आ रही है कि महत्वपूर्ण कौन है संसद में, लोक सदन है, कौन है, लोक सदन है भाई, इसीलिए तो ये कहा जाता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन कौन है, लोक सदन है। संसार में सबसे शक्तिशाली निम्न सदन कौन सा है, लोक सदन है। क्यों है, इसकी जानकारी हम इसके दूसरे पार्ट में देंगे। चलिए ये शक्ति होगी, अब इसका दूसरा भाग ले रहे हैं हम, किसका, लोक सदन का, क्या कि वास्तविक रूप में जो ये ब्रिटेन का लोक सदन है, मतलब ब्रिटेन की संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, वो क्या है, विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। नोट करें, दूसरे पार्ट में लिखेंगे विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन या निम्न सदन, नोट कीजिएगा, दूसरा पार्ट बनाए, विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन या निम्न सदन, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ ये कि वास्तव में ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और संसद की संप्रभुता का मतलब क्या है भाई, कि संसद किसी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है, ठीक है, जैसा कि डी लोलमे ने कहा है, इसके अंदर हम चर्चा भी करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ विधानिक व्याख्यांश दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका भावार्थ ये कि संसद किसी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को वहां की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती, अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, वैसे भी वहां पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक, ये बात सत्य है कि वास्तविक रूप में 2009 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में वहां पर न्यायपालिका ने कार्य शुरू कर दिया है, परंतु फिर भी वास्तविक रूप में वहां की न्यायपालिका को किसी भी रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोटेशन दी जा रही है, सर एडवर्ड कोक, नोट करें क्या, सर एडवर्ड कोक, क्या है, सर एडवर्ड कोक क्या कह रहे हैं इसके बारे में, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र, क्या, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती हैं। कौन कह रहे हैं, एडवर्ड कोक कह रहे हैं कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि है तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है, मतलब वास्तविक रूप में यहाँ सर एडवर्ड कोक कह रहे हैं कि संसद की शक्ति इतनी अधिक है, इतनी सर्वोपरि है, इतनी पूर्ण है, इतनी सर्वोच्च है, इतनी प्रभु सत्ता है, इतनी संप्रभु है कि वास्तविक रूप में उसकी कोई सीमाएं बांधी नहीं जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब किसी विषय पर कैसा भी कानून बना सकते, मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, जैसे हम कहें कि ब्रिटेन की संसद यदि कानून बनाना चाहे कि वहां पर जितने भी 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए, तब
वास्तविक रूप में वहां की संसद ऐसा भी कानून बना सकती है, न्यायपालिका को इसे रोक नहीं सकती है। हालांकि सैद्धांतिक बातें व्यवहार में ऐसा संसद कर नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? हमने पिछली वीडियो में बताया कि इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है, कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं, जैसे जनमत का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियंत्रण होगा। तो वास्तविक रूप में संसद ऐसा कानून बना नहीं सकती, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण कोटेशन दी जा रही है वो है ब्लैक स्टोन। नोट करेंगे क्या है ब्लैक स्टोन, क्या कह रहे हैं कि वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है। कौन? संसद। वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य न हो, मतलब वो अर्थात संसद वो सब कुछ कर सकती है जो कि वास्तविक रूप में क्या, जो प्रकृति से अशक्य न हो, मतलब वास्तविक रूप में इसमें जो प्रकृति से संबंधित बात है उसको तो छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में क्या संसद कोई कानून बना सकती है कि भाई सूर्योदय कल से 2 घंटे विलंब से उदय होगा? नहीं, इसके हाथ में है ही नहीं। तो प्रकृति की जो बातें हैं उनके ऊपर इसका नियंत्रण है नहीं। बाकी इससे अलग वास्तविक रूप में मानवता की बात आती है, इसको नियंत्रित करने की बात आती है, इसके लिए नियम बनाने की बात आती है, नीतियां बनाने की बात आती है, निर्णय लेने की बात आती है, तो संसद सब कुछ कर सकती है, किसी प्रकार के कानून बना सकती है। इनका कहने का भावार्थ ये होगा। अब इन सब बातों को लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरी कोटेशन में बता रहा हूं आपको, वो भी नोट करेंगे। डी लॉल में क्या लिखे, डी लॉल में, डी लॉल में क्या कह रहे हैं, नोट करेंगे कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। फिर से बोल रहा हूं, डी लॉल में क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो प्रकृति की देन है, ठीक है। इसका मतलब यही होगा कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर किसी प्रकार का कानून बना सकती है। तो इन्होंने जो ये बातें कही है संसद के बारे में कही है, और संसद के 2 सदन है, कौन कौन? लोकसभा और लोकसभा, और लोकसभा एक शक्तिहीन सदन है, गौण सदन है, इसको केवल विलंब का अधिकार है। तो बच गया फिर कौन? लोक सदन। तो वास्तविक रूप में कोटेशन किसके ऊपर लागू होंगी? लोक सदन के ऊपर लागू होंगी। क्यों लागू होंगी? हमने यहां कहा था ना, लोक सदन ही ब्रिटिश संसद है, लोक सदन ही ब्रिटिश संसद है। तो इसका मतलब जो ये वाक्यांश है ये लोक सदन के ऊपर लागू होंगे, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि वास्तव में लोक सदन विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन क्यों है, इसके क्या कारण है। नोट कीजिएगा, लोक सदन विश्व का शक्तिशाली सदन क्यों है, इसके क्या कारण है, इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर यह कहा जाएगा कि वहां का जो लोक सदन है वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली सदन है, ठीक है। पहला कारण है इसका, लोक सदन संसद का पर्याय बन गई है। नोट कीजिएगा, पहला कारण क्या है, लोक सदन संसद का पर्याय बन गई है। पर्याय का मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की संसद 2 सदन है भाई, लोक सदन लोकसभा। अब लोकसभा के पास कोई शक्तियां है ही नहीं, कोई वित्त विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है, केवल विलंब कर सकती है, स्वीकार नहीं भी करती है तो भी उसको पारित माना जाता है। तो इसका मतलब आप संसद में शेष कौन आएगा? लोक सदन आएगा। तो सर्वेसर्वा कौन होगा? लोक सदन ही होगा। इसलिए यहां लिखा है पहला बिंदु हमने, लोक सदन संसद का पर्याय बन गई है, मतलब वहां संसद का मतलब ही लोक सदन है, लोक सदन का मतलब ही संसद है, संसद का मतलब ही लोक सदन है। तो सब कुछ कौन है? लोक सदन है, मतलब संसद का प्रथम सदन है, इसलिए ये शक्तिशाली सदन है। अन्य देश में हम देखेंगे तो ये बातें हमें नहीं मिलेंगी कि दूसरा सदन इतना गौण है, ठीक है, जितना कि ब्रिटेन के अंतर्गत। दूसरा इसका जो कारण है वो क्या बनेगा, नोट कीजिएगा, दूसरा कारण बनेगा क्या कि न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। ध्यान दें, वास्तविक रूप में
ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है और उसके द्वारा बनाए गए कानून की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थात ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब यदि संसद चाहे अनैतिक, अतार्किक, गैर कानूनी कानून बनाए तो भी वहां की न्यायपालिका उन्हें अवैध, अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यही हुआ कि ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। इस कारण भी लोक सदन शक्तिशाली सदन है। तीसरा जो इसका कारण बनेगा वो बनेगा संविधान में संशोधन का अधिकार। क्या? संविधान में संशोधन का अधिकार। इसका मतलब यह है कि वास्तव में ब्रिटेन की संसद मतलब लोक सदन, फिर कह रहा हूं संसद मतलब लोक सदन, किसी भी विषय पर कोई भी सामान्य कानून बना सकती है और इसी के साथ में वह संविधान में भी जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकती है। अब यहां सर्वेसभा कौन होगा? लोक सदन ही तो होगा। लोकसभा तो शक्ति ही सदन है, बार बार कह रहा हूं। अब संविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकता है, मतलब यदि वहां का संसद चाहे, मतलब लोक सदन ही है, संसद चाहे तो वास्तव में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना भी की जा सकती है। इसी के साथ में लॉर्ड सभा को भी समाप्त किया जा सकता है। तो लॉर्ड सभा को भी समाप्त किया जा सकता है, इसका मतलब सर्वेसभा कौन हो गया? लोक सदन ही हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा कारण बन गया। और इसके साथ में जो इसका चौथा कारण है जिसके आधार पर यह कहा जाएगा कि लोक सदन संसार का सबसे शक्तिशाली सदन है, वो चौथा बिंदु क्या बनेगा? लॉर्ड सभा की गौण शक्तियां। लॉर्ड सभा क्या है? ब्रिटिश संसद का उच्च सदन या दूसरा सदन। अब वास्तव में लॉर्ड सभा के पास केवल विलंब की शक्ति है, इससे ज्यादा कोई शक्ति नहीं है। देखो कैसे, वित्त विधेयक सबसे पहले कहां भेजा जाएगा? लोक सदन में। लोक सदन ने पारित कर दिया, फिर कहां भेजेंगे? लॉर्ड सभा के पास। अब लॉर्ड सभा क्या कर सकता है? केवल एक माह का विलंब किया जा सकता है। साधारण विधेयक की बात आती है तो साधारण विधेयक वो एक अलग बात है कि लॉर्ड सभा में भेजा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में लोक सदन के पास मिल जाएगा, लोक सदन से पारित कर देती है। लेकिन यदि लोक सदन के पास में भेजा जाता है और उसके बाद में लॉर्ड सभा में भेजा जा रहा है और लॉर्ड सभा उसे स्वीकार नहीं करती है तो यहां भी केवल एक वर्ष तक का ही इंतजार किया जाएगा, उसके बाद में उसे पारित समझा जाएगा। इसका मतलब वित्त विधेयक को एक माह तक लॉर्ड सभा रोक सकती है और सामान्य साधारण विधेयक को एक वर्ष तक का विलंब कर सकती है। इससे ज्यादा लॉर्ड सभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। अतः स्वाभाविक है कि जब लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में गौण सदन है, एक शक्तिहीन सदन है, तो निश्चितता है हम कह सकते हैं कि सर्वेसभा कौन रहेगा? शेष लोक सदन ही रहेगा। इसलिए अंत में मैं कहूंगा कि वहां वास्तविक रूप में संसद का मतलब लोक सदन है, लोक सदन का मतलब संसद है। कार्यपालिका जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो इसका मतलब यही माना जाता है कि वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका है वह लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। इसका मतलब सर्वे सभा कौन हो गया? वहां पर लोक सदन ही सर्वे सभा है। अतः इन सभी बातों को एकत्रित करते हुए ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में ब्रिटिश संसद का जो प्रथम सदन है लोक सदन, वह सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है, सबसे शक्तिशाली निम्न सदन है। तो प्लीज प्रणोशी प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका ब्रिटेन का लोक सदन। ठीक है, अब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।